हेलो एवरीवन आज है हमारा यूथ कंपटीशन टाइम्स का 105 सौ पाँच सोल्ड पेपर्स का तैतालीसवा पेपर सेट ये है आई एस परीक्षा 2004 हज़ार चार समाजशास्त्र व्याख्या सहित प्रश्न हाल प्रश्न पत्र अगर किसी को पेपर सेट देखना है तो वो अपनी पिक्चर क्वालिटी सही कर लेना तभी दिखाई देगा अदरवाइज पेपर सेट नहीं दिखाई देगा केवल वॉइस सुन पाओगे अच्छे से और जिस किसी जो भी हमारे इस चैनल पर नया है या फिर पहली बार विज़िट कर रहा है तो उसके लिए मैं बता दूँ कि ये हमारी एक सौ पाँच पेपर सेट की श्रृंखला चल रही है और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर लेना हमारे साथ बने रहने के लिए एक सौ पाँच पेपर सेट्स के लिए और इसी के साथ हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है तो उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा उसको आप ज्वाइन करके रात नौ बजकर पचास मिनट पर एक क्विज आती है एक करंट की क्विज आती है और एक सोशलॉजी से रिलेटेड क्विज आती है तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं ओके अभी हम केवल क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर केवल रीड करते चलेंगे क्योंकि बहुत सारा टाइम हमारे पास नहीं है और अगर कोई एक्सप्लेनेशन सोचनी है समझनी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं बाकी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं जिन जिनमें एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ होता है चलो हम बैक टू बैक केवल क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे क्योंकि हमारे ना पीजीटी में ना बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं इतने लंबे क्वेश्चन तो आते भी नहीं हैं तो लंबे क्वेश्चन को थोड़ा सा हम अवॉइड करेंगे और छोटे क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करना आप लोग ठीक है जो वन लाइनर क्वेश्चन क्वेश्चन है उन पर ज़्यादा फोकस करना पी के लिए ओके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर वन सामाजिक स्तरीकरण जो संबंध व्यक्तियों द्वारा निष्पादित किए हुए वास्तविक कार्य से विषय विशेष व्यक्तियों संस्थाओं या दोनों के अधीन संसाधनों की उत्कृष्ट शक्ति तथा नियंत्रण से से निकलता है से है अभिप्राय तो यह इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं आगे चलते हैं श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में निम्नलिखित में से कौन सा मत प्रस्तुत किया तो यह आंसर होगा जाति व्यवस्था में गतिशीलता का अवसर निहित है यह आ सकता है और एक छोटा सा क्वेश्चन आया तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं पीजीटी में आर्थिक विशेष वर्ग तो आर्थिक विशेष वर्ग क्या वर्ग क्या है ऐसे व्यक्तियों से गठित होता है जिनकी आय के स्रोत तथा स्तर व्यवसाय का प्रकार एक समान है तथा सामाजिक संपत्ति का संपत्ति एक अंश समान है उसके ठीक है नेक्स्ट है मार्क्स ने समाज में वस्तुपरक रूप से संरचनात्मक आर्थिक असमानताओं की व्याख्या निम्नलिखित में से किस में की है तो इसका आंसर होगा वर्ग नेक्स्ट है जजमानी व्यवस्था इस तरह के क्वेश्चन आते हैं पीजीटी में जजमानी व्यवस्था है क्या पारस्परिक सेवा तथा जाति आत्मनिर्भरता आत्म का प्रकार और ग्रामीण भारत में व्याप्त है ठीक है नेक्स्ट है दुर्किंग ने धर्म के अध्ययन में निम्नलिखित में से किस एक वर्गीकरण का प्रयोग किया है तो ये आंसर होगा पवित्र एवं लौकिक इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं अब सूची एक को सूची दो से मिलाना है यह क्षत्रिय प्रतिमान हम सिर्फ आंसर पर बोलेंगे क्वेश्चंस को रीड नहीं करेंगे इसमें भी कि पहले मैं आपको गलत बताऊं फिर आपको सही बताऊं तो हम डायरेक्ट सही पर ही चलते हैं क्षत्रिय प्रतिमान ये है पोकोक का व्यापारी कृषक मिल्टन सिंगर वी संस्कृतिकरण मजूमदार और जनजातीयकरण ये कालिया का है नेक्स्ट पेज पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर आठ यह पुस्तक दृश्य और क्षेत्र दृश्य में विभेद किया ये क्वेश्चन आ सकता है पुस्तक विभेद और क्षेत्र दृश्य में विभेद किसने किया तो ये एम एन श्रीनिवास ने पुस्तक और क्षेत्र में विभेद क्षेत्र दृश्य में विभेद किया एम एन श्रीनिवास नेक्स्ट है जाति नातेदारी तथा पड़ोस पर आधारित तदर्थ समीकरण जो राजनीतिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण परंतु चुनाव के पश्चात क्रियाशील रहे या न रहे इसे एंड्रिंसी मेयर कहते हैं तो ये है क्रिया पुंज इसका आंसर इस तरह के क्वेश्चंस नेट में आ रहे हैं आजकल नेक्स्ट है मैक्सवेबर के अनुसार निम्नलिखित में से जाति व्यवस्था की कौन सी दो मुख्य विशेषताएं हैं तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वन और फोर सहभोजित्व और वैवाहिकता नेक्स्ट है सूची एक को सूची दो से मिलाना है माइंड एंड सोसाइटी ये पैरटो की है द रूलिंग क्लास मोस्का की है और एलिस्टन सोसाइटी ये बोटोमोर की है टोटम एंड टैबू ये फ्राइड की है नेक्स्ट है ऐसा समाज जिसने जिसमें प्राथमिकता की जगह गौण समूह अंतक्रिया प्रतिमानहीनता तथा प्रतिमानहीनता रहती है तथा वह सामान्यता जीवन शैली में समरूपता से परिलक्षित होती है तो वो क्या कहलाता है वो कहलाता है बहुल समाज नेक्स्ट है भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्य द्वारा काम की न्याय संगतता और मानव वंचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रसूति सहायता का उपबंध है तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद बयालीस नेक्स्ट है औद्योगिक समाजशास्त्र एक स्वतंत्र विषय के रूप रूप में निम्नलिखित में से किससे गेषणा से, से संबंधित है तो इसका आंसर होगा मानव संबंध उपागम से नेक्स्ट है सूची एक को सूची दो से फिर से मिलाना है तो यह नेक्स्ट पेज पर हम पहुंच जाएंगे वस्तुओं का विनिमय तो कारखाना श्रमिक संघ समनेता बहुमंडलीय प्रतिस्पर्धा मुक्त अर्थव्यवस्था विपुल उत्पाद तो उपभोक्तावाद नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार कीजिए तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही है और इसमें है तकनीकी विशिष्टीकरण और सेवा क्षेत्र द्वारा प्रभावित समाज और तीसरा पॉइंट है इसमें संविधात्मक सम्वी, संबंधयुक्त समाज नेक्स्ट है फिर से सूची एक को सूची दो से मिलाना है तो यह परंपराओं की प्रधानता किससे रिलेटेड है कृषि भूमि अर्थव्यवस्था से विशेषज्ञता विशेषज्ञता तथा तकनीक जटिल अर्थव्यवस्था प्रतिस्पर्धा की प्रधानता यह बाजारोन्मुख मुक्त अर्थव्यवस्था राष्ट्र द्वारा नियंत्रण यह है राजनीतिक अर्थव्यवस्था नेक्स्ट है वेबर के अनुसार कौन से आर्थिकेतर कारक आर्थिक व्यवहार पर प्रभावी होते हैं तो इसका आंसर होगा धर्म के नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तो ये इस पर हम विचार करेंगे तो वन थ्री टू एंड फोर इसका सीक्वेंस बन जाएगा वन है बाजारी पूंजीवाद थ्री है समाज साम्राज्यवादी पूंजीवाद नंबर टू है बहुराष्ट्रीय उपभोक्तावाद और लास्ट है इसमें भूमंडलीय पूंजीवाद तो इनको कहा है कि अर्थव्यवस्था के उद्गम में ये सही क्रम लगाइए तो यही इनका सही क्रम था बाजारी पूंजीवाद साम्राज्यवादी बहु बहुराष्ट्रीय उपभोक्ता और भूमंडलीय पूंजीवाद ठीक है, है नेक्स्ट चलते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए ठीक है जी निम्नलिखित कथनों पर विचार कर लेते हैं वन टू थ्री तीनों ही सही हैं तो यह है, संसाधनों का अधिकत्व होता है बिल्कुल शहर जब विकसित होते हैं तब तो, तब क्या होता है संसाधनों संसाधन ज़्यादा होते हैं दूसरा इसमें सम्मिलित समाज अथवा समय समूह मात्र जीवन पुष्टि के लिए आवश्यक आवश्यक से अधिक संसाधनों पर नियंत्रण नियंत्रण कर लेते हैं फिर है पर्याप्त मानव शक्ति होती है ठीक है नेक्स्ट है फिलिप एम हॉसर के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में लोगों का प्रवसन कहलाता है जब गांव से लोग शहर को जाते हैं तो वो क्या कहलाता है आंसर है जनसंख्या विस्फोटन ठीक है भाई नेक्स्ट चलते हैं निम्नलिखित में से नगरों से संबंधित कौन सा हालांकि पलायन छीलता होना चाहिए था पर चलो हासर क्या कह रहा है फिलिप हासर हॉसर के अकॉर्डिंग ये क्या है निम्नलिखित नगरों से संबंधित कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है तो आंसर नंबर डी है सामाजिक गतिशीलता स्थैतिक जनसंख्या नहीं है नेक्स्ट है सूची ए को सूची दो से मिलाना है तो ये है पेज नंबर फाइव फोर फोर इसमें है दबाव समूह का सॉरी सुमेलित करने वाली सूची थी हमारी ये है राज्य एक नैस संस्था के रूप में क्या है आंगिक सिद्धांत है फिर है राज्य एक सामाजिक संस्था के रूप में सिद्धांत है राज्य प्रभावी कुल के एक उदाहरण के रूप में है मार्क्सवादी सिद्धांत और प्रभुता प्रभुसत्ता राष्ट्र की परम शक्ति के रूप में यह आएगा विधिक सिद्धांत नेक्स्ट है दबाव समूह का उल्लेख सामान्यता होता है आंसर है विशेष हित समूह के रूप में नेक्स्ट है सूची एक को सूची दो से मिलाना कास्ट इन मॉडर्न इंडिया ये श्रीनिवास की है कास्ट इन क्लास एंड पावर कास्ट क्लास एंड पावर ये बेटे की है होमोहेरिक्स ड्यूमो की है बार बार आ रही है रिपीट हो रही है जितने भी पेपर सेट हो चुके हैं अब तक तो ड्यूमो की बुक मिस नहीं हुई है फिर है कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स ये कोठारी की है ये जैसे आई का पेपर है तो आई के पैटर्न पर ही आजकल नेट जो सोशोलॉजी का एग्जाम हो रहा है एग्जामिनेशन है तो बिल्कुल इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन आपके नेट के एग्जाम में हेल्प करेंगे जो भी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और पीजीटी के लिए बहुत शॉर्ट क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है नेक्स्ट है देश के विभिन्न क्षेत्रों में जनजाति कल्याण हेतु कार्यरत समाज सेवा अभिकरणों का संघ जिसे भारतीय आदिम जाति सेवक संघ के नाम से जाना जाता है कि स्थापना 1948 में निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में हुई तो इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेक्स्ट है आंध्र बेत का विचार है कि भारत में स्वाधीनता के पश्चात विवाह में जाति प्रबंधों प्रतिबंधों में क्या हुआ है कमी आई है नेक्स्ट है भारत में संविधान की छठी अनुसूची का प्रमुख उपबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है ये तो ये है उत्तर पूर्व भारत में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की स्वायत्तता से संबंधित है नेक्स्ट है दुर्खीम के अनुसार आधुनिक समाज में सम जन जनता तथा एकात्मकता का प्रमुख स्रोत कौन सा है तो इसका आंसर होगा श्रम विभाजन नेक्स्ट है कॉम्ठ के परिवर्तन के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है तो सही अनुक्रम को हम बताते हैं ये है धर्मशास्त्रीय तत्व और निश्चय निश्चयात्मक इनको ना अलग अलग तरीके से हर बार अलग अलग दिया हुआ होता है तो आप हिंदी में याद ना करके इसको इंग्लिश में याद कर लें थोलॉजिकल स्टेज दूसरी है मेटाफिजिकल स्टेज और तीसरी आएगी पॉजिटिव स्टेज इसे बार बार कभी किसी तरीके से दिया हुआ है कभी किसी तरीके से दिया हुआ है तो उन सब चक्रों में ना पढ़ के इसको इंग्लिश में याद कर लें टी एम पी से याद करना है थोर्टिकल मेटाफिजिकल एंड पॉजिटिव स्टेज ठीक है तो इसी के पार्ट हैं कौन कौन से जैसे जीवित सत्तावाद फिर बहुदित्योवाद और अदित्यवाद ठीक नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन का उद्विकासवादी सिद्धांत समाज के क्रमिक रूपांतरण की धारणा पर निम्नलिखित दशाओं में किन दशाओं पर आधारित है तो इसका आंसर होगा एक रेख और बहुरेख एक रेखा और बहु रेख है नेक्स्ट पेज पे चलते हैं फाइव फोर फाइव पेज नंबर है ये है सूची एक को सूची दो से मिलाना है और इसमें शेख इसमें अनुकूली संस्कृति ऑकबर्न की है संवेदनीय संस्कृति ये सोरोकिन की है सर्वोपयुक्त ये उत्तरजीविता ये चार्ल्स डार्विन की है वर्ग विहीन समाज ये कालमार्क्स का है फिर से सूची एक को सूची दो से मिलाना है ये है हैनरी पेरेंट इसका है राजनीतिक बौद्धिक तथा आर्थिक केंद्र फिर है हासलीज। कुछ राइटर्स के नाम तो ऐसे आते हैं बिल्कुल बिल्कुल न्यू लेकिन जब ये न्यू निकल कर आते हैं इन्हीं से हमें आइडिया होता है कि कब कहाँ क्या आ जाता है तो हास्लीज है हास्लीज का है प्रजनक तथा पर जीवी जीवित मिल्टन सिंगर नगर फिर है रेडक्लिफ ब्राउन रेड रेडफील्ड सॉरी रॉबर्ट रेडफील्ड का है नियत विकसित तथा विषम विकसित फिर है फिलिप एम हॉसर का ये पूर्व औद्योगिक औद्योगिक तथा महानगरीय फिर आएगा औद्योगिक समाज को प्रदर्शित करने वाले श्रमिकों के विशेषित वर्गीकृत आधारित हैं तो इसका आंसर होगा सत्ता के पदक्रम सिद्धांत पर और नियंत्रण के पदक्रम सिद्धांत पर नेक्स्ट है निम्न में से किसका मत है कि जहाँ जहाँ नगर का अंत होता है और देहाती क्षेत्र का प्रारंभ होता है के बीच कोई सुस्पष्ट सीमांकन नहीं होता आंसर है मैकाइवर नेक्स्ट होगा निम्नलिखित पर विचार कीजिए तो इसमें है ऑप्शन सी एक आकार दूसरा घनत्व और नंबर फाइव आएगा सामाजिक घनत्व नेक्स्ट है मशीन मॉडल लक्ष्य मॉडल संतुलन संतुलन मॉडल और मॉडल और व्यवसायिक मॉडल ऐसे उपागम है जो विश्लेषण करते हैं किसका संगठन का नेक्स्ट है वृद्ध पैमाने के कार्यों के अनुसरण में तार्किक समन्वित असमानताओं का समाज है तो इसका आंसर होगा नौकर शाही नेक्स्ट है नेक्स्ट फीस पे चलते हैं शहरी समुदाय के विकास विन्यास भौतिक स्वरूप तथा सामाजिक समूहों के वितरण तथा वितरण का स्थानिक अध्ययन कहलाता है आंसर है शहरी परिस्थितिकरण नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू पार्क लुई वर्थ परगेस और पार्क के अकॉर्डिंग नेक्स्ट है जननांकी समाजशास्त्र के क्षेत्र में आती है क्योंकि जननांकी जो है वो समाजशास्त्र के क्षेत्र में आती है क्योंकि इसमें जनसंख्या एक स्वतंत्र चर के रूप में समाज की संरचना की व्याख्या कर सकती है दूसरा है जनसंख्या एक कारक के रूप में आर्थिक विकास प्रक्रिया की व्याख्या करती है यह समाज संचरित राजनीतिक प्रक्रिया को समझने में सहायता करती है तो ये तीनों ही इसके कारण होंगे नेक्स्ट है सामाजिक जनांकी का प्रमुख आशय क्या है तो यह जनसंख्या संरचना तथा प्रक्रिया से सामान्य सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के विश्लेषण के संबंध में नेक्स्ट है वस्तुतः डी जनगणना विधि संबंधित है डी जो फैक्टो जनगणना विधि है वो किससे संबंधित है एक रात पहले लोग कहाँ जा कहाँ रह रहे हैं इस पर आधारित जनगणना से नेक्स्ट है यदि जनन क्षमता तथा मृत्यु दर दोनों में कमी आए तब आंसर होगा सक्रिय जनता का समानुपात बढ़ेगा नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जन्म मृत्यु तथा प्रवासन का संयोजन शून्य जनसंख्या वृद्धि नहीं लाता तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हंड्रेड जन्म सौ जन्म एक सौ पचास मृत्यु पच्चीस उत्प्रवासी तथा एक सौ पिछहत्तर अप्रवासी हंड्रेड वन फिफ्टी ट्वेंटी फाइव और वन सेवेंटी फाइव अप्रवासी नेक्स्ट है भारत में आंतरिक प्रवजन का सबसे बड़ा भाग है ऑप्शन नंबर सी विवाह प्रजनन फिर है जन्नागी का संबंध समष्टि के व्यवहार से है न कि वृष्टि के व्यवहार से निम्नलिखित में से किसने कहा तो ये कहा है बर्कले ने। डब्ल्यू जी बर्कले ने। नेक्स्ट है किसने प्रतिपादित किया कि समाज के विकास के साथ जनन क्षमता में वृद्धि होती है तो इसका आंसर है एम ई एम ने नेक्स्ट है मानवीय समूह का अस्तित्व है ऑप्शन नंबर डी सामाजिक सांस्कृतिक अन्य क्रिया के बिना संभव नहीं है नेक्स्ट है जब कालांतर में समाज में जीवन शैली में समुचे विकास के फलस्वरूप मृत्यु दर कम हो जाए और जन्म दर की में कमी न आए तो इसके फलस्वरूप जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है इसका परिणाम होता है अति जनसंख्या यह सिद्धांत कहलाता है तो ये सिद्धांत कहलाएगा जनसंख्या विस्फोट विस्फोट सिद्धांत है उसका जो वाली बात मैं पहले कर रही थी नेक्स्ट है जनता में निम्न दर तथा गर्भ स्रा, स्रा, का मूल कारण है तो यह है मात्र कुपोषण नेक्स्ट है सामाजिक कोशिकित्व की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने प्रयोग की तो आंसर है लुइस डोमो नेक्स्ट है राजनीतिक सामाजिकरण तो राजनीतिक सामाजिकरण ये एडमंड पावेल का है फिर है सत्तावादी व्यक्ति तो सत्तावादी व्यक्ति हैं दुर्बल अहम संरचना वाले होते हैं सुदृढ़ व्यक्तित्व तो वाले होते हैं घिसे पिटे ढंग से सोचने वाले होते हैं ये ऑप्शन दिए हुए हैं बाकी मुझे नहीं लगता ना दुर्बल वाला लगता है और ना ही घिसे पिटे ढंग वाला लगता है और सुदृढ़ व्यक्तित्व वाला तो ठीक है नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किनका राजनीतिक समाजीकरण के तत्वों का होना आवश्यक नहीं है तो इसमें ऑप्शन है ए इसमें है कार्यस्थल में पारं पारस्परिक विश्वास तथा सहयोग प्रवर्त करना और नंबर तीन सहकर्मियों में घोर अंतर्व्यक्तिक अनोन्य क्रिया का समर्थन नेक्स्ट है, नेक्स है निम्नलिखित में से कौन फसल लगाने के विन्यास का विधिकरण करने हेतु बेहतर कृषि कार्य कृषि तरीके अपनाने का समर्थन करते हैं तो इसका आंसर होगा वन और टू संचार सुविधाएं और आर्थिक उद्दीपक नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं सामाजिक आंदोलन से संबंध हैं आंसर होगा वन टू थ्री तीनों सामूहिक उद्यम नव सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करना और नंबर थ्री है निश्चित लक्ष्य नेक्स्ट होगा महिला आंदोलन का इतिहास जुड़ा है तो महिला आंदोलन का इतिहास बीसवीं सदी के उदारवादी महिलावादी आंदोलन से जुड़ा है बेटा आप भी मत पियो भैया को भी मना कर दो भैया की बहुत बुरी हालत हो रही है बेटा उसको शेख मत दो आपने भी गलती पी है और उसको मना करो